मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल की नगरी में 2 से बढ़कर 20 हेक्टेयर में विस्तार ले रहा है महाकाल परिसर। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5 हेक्टेयर से 4 गुना बड़ा होगा बाबा महाकाल का परिसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का महीने भर के अंदर मध्य प्रदेश का यह दूसरा दौरा होगा। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को उज्जैन प्रवास के दौरान दी। महाकाल कॉरिडोर देश का पहला ऐसा धार्मिक कैंपस है जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे डेवलप हो रहा है। शिव शक्ति और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां और म्यूरल्स यानी भित्त चित्र के जरिए इसे सजाया गया है। श्रद्धालु शिव की अनसुनी कथाएं इनसे जानेंगे। सप्तऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमल ताल में विराजित शिव, 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का अंकन, शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं हैं। यहां देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। 793 करोड़ रुपए के महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट के पहले चरण के कामों को लगभग फाइनल टच दिया जा चुका है। इसमें महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्र सागर तालाब के किनारे का डेवलपमेंट शामिल है। प्रोजेक्ट 2 तरह से तस्वीर बदलेगा। पहला, दर्शन आसान होंगे। दूसरा, दर्शन के साथ लोग धार्मिक पर्यटन भी कर पाएंगे। कैंपस में घूमने, ठहरने, आराम करने से लेकर तमाम सुविधाएं होंगी। महाकाल प्रोजेक्ट के दौरान 8 महीने बाद उज्जैन में बदलाव की एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां महाकाल पथ से सटा हुआ रुद्र सागर तालाब निखर उठा है। 8 महीने पहले तक यहां इतनी जलकुंभी थी कि पानी ढूंढना मुश्किल था। तालाब को साफ सुथरा बनाने के लिए 40 लोगों ने 1.5 महीने जलकुंभी हटाने के लिए दिन रात एक कर दिए। 2016 के सिंहस्थ के बाद पहली बार इस तालाब पर फोकस किया गया। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था बनारस जाकर, और यहीं इंदौर से बनारस तक का उनका सफर था। इसके बाद लगभग 3 शताब्दी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर के विस्तारीकरण और पुनरुद्धार के लिए 8 मार्च 2019 को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया। शिलान्यास के लगभग 2 साल 8 महीने बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट के 95% कार्य को पूरा कर लिया गया था और इस पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 340 करोड़ रुपए खर्च हुए। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया। इसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से होकर जाता है। विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब महाकाल बाबा का कॉरिडोर, ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग जिन्हें हम जानते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम चशी शैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकालम च ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशम च त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। आदि शंकराचार्य ने यह श्लोक रचा था। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की और कहते हैं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों को जो सुबह शाम याद करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इनमें खास खास माने जाते हैं बाबा सोमनाथ, बाबा विश्वनाथ और महाकाल बाबा की तो क्या ही कही जाए। ऐसे में बाबा महाकाल विश्वनाथ के बाद में बाबा महाकाल का सौंदर्यीकरण हो रहा है। सोमनाथ पर पहले ही बहुत काम किया गया, तो एक एक करके ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है इन पर अब काम करने की परियोजना बन रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया था। पहला मंदिर का मुख्य भाग था जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। इसमें 4 बड़े-बड़े गेट लगाए गए। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया। उस प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए जिनमें काशी की महिमा का वर्णन हुआ। यह इसलिए समझना जरूरी है कि कुछ इसी अंदाज में थोड़ी और भव्यता के साथ बाबा महाकाल और उज्जैन, देखिए उज्जैन अपने आप में काशी की तरह ही बहुत ही पवित्र स्थल है। ऐसी एक पुरानी कहावत है वहां पर प्रचलित कि आप चावल से भरी बोरी निकलकर चले और बड़े बड़े मंदिरों में एक एक दाना भी डालें तो वो बोरी खत्म हो जाएगी, मंदिरों की संख्या खत्म नहीं होगी। इतने मंदिर वहां पर हैं, लेकिन महाकाल वहां पर सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें उज्जैनी का राजा कहा जाता है। आज भी कई कथाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत ही महिमा इस महाकाल परिसर की और महाकाल मंदिर की मानी जाती है। भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए सिर्फ सावन में नहीं बल्कि 12 महीने हम देखते हैं देश भर से श्रद्धालु आते हैं। बहरहाल इंदौर एयरपोर्ट से अब सीधे कनेक्टिविटी पहले उज्जैन की बनाई गई है और अब इस कॉरिडोर को भी बेहतर किया जा रहा है। एक बार फिर बात करते हैं बाबा विश्वनाथ की। अगर बात करें विश्वनाथ कॉरिडोर की तो ये एक सफलतापूर्वक किया गया प्रयोग है, क्योंकि बनारस में बहुत सकरी सकरी गलियों के बीच किसी ने नहीं सोचा था कि वहां पर इस तरह का शानदार कॉरिडोर
बनेगा। कॉरिडोर में 24 भवन भी बनाए गए। इन भवनों में मुख्य मंदिर, परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, जलपान केंद्र, गंगा व्यू कैफे आदि है। ये इसलिए समझना जरूरी है कि महाकाल के जो परिसर बनेंगे या जो भी पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा उसमें कुछ इसी तरह की सुविधाएं होंगी, लेकिन थोड़ा व्यापक स्तर पर। धाम की चमक बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की 5000 लाइटें लगाई गई। विश्वनाथ कॉरिडोर में ये खास तरह की लाइटें दिन, दोपहर और रात में रंग बदलती है। ये परिसर इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन बाबा महाकाल का ये मंदिर इतना बड़ा और इतना विशाल है उज्जैन में, और इसको जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसमें निश्चित तौर पर ज्यादा समय लगने वाला है, और साथ ही साथ में यहाँ पर ज्यादा सुविधाएं भी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से शिव तांडव स्तोत्र से लेकर शिव विवाह और अन्य प्रसंगों को बड़ी खूबसूरती से तराशा गया है आपके बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में, कुछ वैसे ही आपको देखने को मिलेगा महाकालेश्वर में। महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्रसागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सुविधाओं का विकास महाकाल परिसर में भी होगा। इस कॉरिडोर में हर घंटे करीब 1,00,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। त्रिवेणी संग्रहालय के पास ही महाकाल पथ का बड़ा द्वार बन रहा है, और इस बीच में फाउंटेन लाइट और साउंड सिस्टम भी होगा। इसके सामने पवेलियन जैसी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की जाएगी। दूसरे चरण में 11 स्पॉट्स का काम शुरू होगा, जिनमें महाराजवाड़ा परिसर, रुद्रसागर रीडेवलपमेंट, महाकाल द्वार और रुद्रसागर पर पैदल पुल बनाया जाएगा। महाराजवाड़ा परिसर की बात करें तो महाराजवाड़ा महाकाल मंदिर परिसर में शामिल होगा। यहाँ के ऐतिहासिक भवनों को रीडेवलप किया जाएगा। इनका उपयोग हेरिटेज धर्मशाला और कंभ संग्रहालय के रूप में होगा। यहाँ नक्षत्र वाटिका, फूड कोर्ट और एंटरटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे। इससे पहले यहाँ संचालित स्कूल को नूतन स्कूल परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। महाकाल थाने को भी यहाँ से दूर स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। इस खाली जमीन पर 180 कमरों की क्षमता वाली नई पार्किंग बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर्यटक सूचना केंद्र, ई व्हीकल डॉकिंग स्टेशन और हॉकर जोन भी बनेगा। महाकाल मंदिर में शिप्रा नदी के रामघाट तक प्राचीन पैदल मार्ग को संरक्षित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत महाकाल द्वार और मंदिर की ऐतिहासिक दीवार के संरक्षण का काम होगा। महाकाल गेट से रामघाट के बीच श्रद्धालुओं के लिए गार्डन जैसा जन उपयोगी क्षेत्र बनाया जाएगा। रुद्रसागर तालाब में गंदे पानी की एंट्री को रोका जाएगा। अमृत मिशन के तहत सीवर और स्टॉर्म वाटर लाइन डाली जाएगी। रुद्रसागर की डिस्टिलिंग ड्रेजिंग के अलावा स्लज हटाई जाएगी, और बारिश कम होने पर तालाब का जल स्तर बरकरार रखने के लिए क्षिप्रा नदी से पानी को पंप कर रुद्रसागर में छोड़ा जाएगा। हरि फाटक ब्रिज का चौड़ीकरण होगा। इस ब्रिज के चौड़ीकरण के लिए करीब 50 परिवारों को शिफ्ट किया जाएगा। पुल के नीचे एक रेलवे अंडरपास भी बनाया जाएगा। जयसिंहपुरा के नजदीक दूसरा रेलवे अंडरपास बनाया जाएगा। चार धाम मंदिर में महाकालेश्वर मंदिर के नजदीक स्थित विजिटर फैसिलिटी सेंटर नंबर 2 तक 5 मीटर चौड़ा और 210 मीटर लंबा पैदल पुल बनेगा। पुल के दोनों ओर जन उपयोगी सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा। छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत एंटरटेनमेंट जोन, योग केंद्र, वैदिक वाटिका और ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाएगा। ग्रीन बेल्ट डेवलप करने, यहाँ वृक्षारोपण करने के लिए भी काफी बड़ी योजना बनाई गई है ताकि ग्रीन बेल्ट को डेवलप किया जाए। वैदिक वाटिका इसका नाम होगा और योग केंद्र के नजदीक बनाई जाएगी। शिप्रा के रामघाट पर मोटरेबल लाइट और साउंड शो होगा, जो सिंहस की थीम पर होगा। इसके लिए मंदिर से रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। हाट ठेला और फेरी व्यापारी यहाँ अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए हॉकर्स कॉर्नर भी बनाया जाएगा। रुद्रसागर तालाब की लहरों पर म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्की भी शुरू होगा, ये शो भी किए जाएंगे यहाँ पर। यहाँ तालाब के पानी की लहरों पर फाउंटेन की मदद से वाटर स्क्रीन बनाई जाएगी, और स्क्रीन पर महाकाल और सिंह से जुड़ी फिल्म भक्त देख सकेंगे। कमर्शियल मार्केट डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डॉकिंग स्टेशन बनेगा। इस रोड को नए सिरे से डेवलप किया जाएगा। रोड पर शहर वासियों के लिए 50 कार की पार्किंग क्षमता बनाई जाएगी, और यहां कमर्शियल मार्केट डेवलप किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डॉकिंग स्टेशन बनेगा। यह रोड आगे जाकर महाकाल कॉरिडोर और महाकाल गेट से कनेक्ट होगा। देवास धर्मशाला को तोड़कर मंदिर के लिए भी रास्ता बनाया जाएगा। नजदीक स्थित देवास धर्मशाला को तोड़ा जाएगा। इसके लिए यहां महाकाल मंदिर की एंट्री और एग्जिट के लिए नया रास्ता बनाया जाएगा। मंदिर परिसर के नजदीक स्थित प्रवचन हॉल और अन्न क्षेत्र यानी भोजनशाला को भी हटाया जाएगा। यहां वैदिक थीम पर मंदिर के शिखर दर्शन जोन बनाया जाएगा। 1 साथ 2,00,000 श्रद्धालु यहां दर्शन कर सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम का मंदिर चौक क्षेत्र अब इतना विशाल है कि यहां 2,00,000 श्रद्धालु एक साथ खड़े होकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। बाबा धाम में बनाए गए म्यूजियम में लोग काशी के अतीत और विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य के पीछे की कहानी से भी रूबरू हो सकते हैं।
कुछ इसी अंदाज में अब बाबा महाकाल के दर्शन करने भी ज्यादा से ज्यादा लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्त आ सके, इस बात की व्यवस्था की जा रही है। महाकाल कॉरिडोर का विकास उज्जैन के लिए बहुत बड़ा विकास है और ये एक बहुत बड़ा कदम है। दरअसल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हुआ उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और अब बाबा महाकाल के कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। लिहाजा ये माना जा सकता है कि जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसके प्रोजेक्ट को धीरे धीरे करके बीजेपी आगे बढ़ा रही है, प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ा रहे हैं और वो खुद इसके पहले चरण का लोकार्पण करने के लिए उज्जैन पहुंचेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।